अगर आप एक रिलेशन में थे लेकिन अब उस रिलेशन में कुछ खलबली मची हुई है, कुछ ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को पहले बहुत प्यार करते थे और पार्टनर भी आपको प्यार करता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप तो अभी भी प्यार करते हैं लेकिन पार्टनर की तरफ से इग्नोर होना शुरू हो गया है। आप उसको कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं रिसीव करता, मैसेज करते हैं, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, आप उसको मिलने के लिए बुलाते हैं तो ना मिलने का कोई ना कोई वो बहाना आपको बता देता है। मतलब उधर से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब आप क्या करें, कैसे अपने पार्टनर को वापस लाएं, चाहे वो आपका पति है और या फिर वो आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या फिर वो आपकी पत्नी है, तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप उनको बार बार कॉल, बार बार मैसेज क्यों कर रहे हैं, बार बार मिलने के लिए उनको फोर्स करना कि मुझसे मिलो, आओ मेरे साथ बैठो, बात करो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी वैल्यू खुद ही डाउन कर रहे हैं। वो इस बात को समझ गया है या फिर वो लड़की है तो समझ गई है कि सामने वाला मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा, मैं अगर कॉल नहीं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आंसू बहाएगा या आंसू बहेगी, परेशान होगा, परेशान होगी बुरी तरह से। वो ये बात समझ गया है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप उनको छोड़कर कहीं भी जाने वाले नहीं हो। अपनी वैल्यू इंक्रीज़ कराइए। आप यहाँ पर अपनी वैल्यू खुद ही डाउन कर रहे हैं उनके पीछे पड़ के। तो देखिए, यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू करानी होगी। देखिए, आप ना अपनी पार्टनर की नज़रों में ना अपनी वैल्यू खो चुके हैं। वो तभी होता है जब आप अपनी वैल्यू खो चुके हैं और वो आपकी नज़रों में अपनी वैल्यू बना चुका है, इसीलिए आप इतने परेशान हो कि वो मेरा 10 बार कॉल कर रहे हो, दिन में 10 बार 20 बार मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई को बस फ़ोन ही चेक कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी वैल्यू खो चुके हो। आपको यहाँ पर अपनी वैल्यू वापस करानी होगी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका पार्टनर वापस आए, आप चाहते हैं कि वो वापस आए, आपके साथ रहे, आपका जो रिश्ता पहले था वही रिश्ता दोबारा से हो जाए, तो उसके लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, ना कि उसके पीछे पड़ के। वहाँ पर अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो सिंपल है कि आप भी उसको इग्नोर करिए। वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो अब से फ़ोन करना बंद कर दीजिए, मैसेज करना बंद, फ़ोन करना बंद, और जहाँ आप बोलते हो कि यहाँ पर मिलने आए, उसके दोस्तों से बात करो, उसको पूरी तरह टोटली इग्नोर करिए। कुछ दिन तक अगर आप इग्नोर करेंगे ना, तो वो आपकी वैल्यू समझ जाएगा, उसको समझ जाएगा, पता आ जाएगा इस चीज़ों का कि हाँ, ये भी अब इग्नोर कर रही है या ये भी अब इग्नोर कर रहा है। वो वापस आएगा क्योंकि वो आपसे बीच बीच में ऐसे बीच बीच में जो आपसे जो कॉल करना बंद कर देता है, मैसेज करना बंद कर देता है, वो अपनी वैल्यू वहाँ पर इनक्रीज़ कर रहा है और आप उसके कॉल का इंतज़ार करते हैं, मैसेज का इंतज़ार करते हैं, उसको बार बार करते हैं, आप वहाँ पर अपने डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको भी अपनी वैल्यू करानी है। अगर कॉल नहीं करता है तो ठीक है, मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं करता, इग्नोर करो, टोटली इग्नोर करो, उसको ये दिखाओ कि आप भी उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको ये दिखाइए। देखिए, वापस आएगा, वो दौड़ता हुआ आएगा, फिर वो आपकी मर्जी है कि आपको उसको अपनी लाइफ में वापस लेना है कि नहीं लेना, लेकिन वो 99% वापस आएगा। जब हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट इम्प्रूव करते हैं ना, जब हम अपने आप पे काम करते हैं, तो सामने वाला भी हमें रेस्पेक्ट देता है, सामने वाला भी हमारी वैल्यू करता है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी रेस्पेक्ट करनी है, अपने ऊपर काम करें कि वो हमें इग्नोर क्यों कर रहा है, हमारी किस वजह से इग्नोर कर रहा है, बात क्या बात है हमारी, हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं, ज़्यादा चिपकू हैं, या फिर हमें कोई और प्रॉब्लम है, वो हमसे पीछा ही छुड़ाना चाहता है, तो क्यों चाहता है या क्यों चाहती है, उस पर आपको काम करना है। फिर देखिए, उस पार्टनर में कैसे आपकी वैल्यू बनती है, उसकी नज़रों में आपको वैल्यू बनानी होगी। देखिए, आपका पार्टनर फिर वापस खुद पे खुद आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा।